नगर की जनता से करोड़ों का टैक्स वसूल करने वाली नगरपालिका जहां एक ओर चहुमुखी विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हालात ऐसे बने हैं कि करोड़ों रुपए का टैक्स लेने के बाद भी सड़क नहीं बना पा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा वार्ड नंबर 2 में देखने को मिला, जहां लाख आवेदन निवेदन करने के बाद भी नगरपालिका से कोई सुविधा नहीं मिलने पर खुद ही वार्डवासियों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क व अंधेरे से बचने के लिए विद्युत पोल लगा लिए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा नगर के वार्ड नंबर 2 में देखने मिला, जहां लाख आवेदन निवेदन करने के बाद भी नगर पालिका से कोई सुविधा नहीं मिलने पर खुद ही चंदा इकट्ठा कर वार्डवासियों ने सड़क बनाकर अंधेरे से बचने के लिए विद्युत पोल लगाए। आपको बताएं कि वार्ड नंबर 2 में सेंट मैरी स्कूल के पास बोरले गली में यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। इस समस्या को लेकर कलेक्टर CM हेल्पलाइन सहित अन्य जगहों पर आवेदन किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा कर चलने लायक सड़क बनाई है, तो वहीं विद्युत पोल भी लगाए हैं, जिन्होंने सड़क को पक्की नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। ये वार्ड नंबर 2 है, सेंट मेरी स्कूल के पास वाली गली बोलते हैं, ज़्यादातर बरेली जी के नाम से जानते हैं बरेली जी। क्या परेशानी हो रही है तो? परेशानी तो ये है कि रोड है, अभी एक पानी आया तो देख लो सामने कीचड़ हो गया, और कल 2-3 आदमी गिर गए वहाँ पर गाड़ी से स्लिप होकर, और बाकी रोड का आप हालत देखो कैसा दिखाई दे रहा है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर तो हमारे को, मेरे को तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, 2018 से रह रहा हूँ। तो नगर पालिका से कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। जो रोड बना हुआ देख रहे हो, हमने ही बनाया है, गाँव के सॉरी मोहल्ला वाले ने मिलकर पैसे जमा करके। तो क्या क्या मिलना था सुविधा आपको? सुविधा तो मेन तो हमारे को बिजली चाहिए था, और दूसरा रोड है, और तीसरा पाइप भी बना दी ने पानी के लिए, पर अभी तक उसमें पानी नहीं आया, नल लगा। सुविधा के नाम से नगर पालिका कुछ नहीं दे रही, सिर्फ टैक्स भर ले रही है, सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। कितना पॉपुलेशन होगा इस एरिया का? यहाँ पे पॉपुलेशन 50 परिवार है, और कम से कम 18-20 मकान बन गए हैं इस रोड पे, उधर अलग है, ऐसे मिला करके कम से कम यहाँ पे 40-40 मकान हो गए। हमने तो नगर पालिका को किए, यहाँ तक के भाई मंत्री को आवेदन दिए, जब विधानसभा का चुनाव आया पिछले बार का, उस समय में यहाँ पे मौसन हरिखेड़े जो दीदी है वो आके मेरे यहाँ मीटिंग ली, और यह हमने भाऊ को कम से कम नहीं तो भी 8-10 आवेदन वहाँ दिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, नगर पालिका में दिए, लेकिन आज तक के ना नगर पालिका वाले ढुक के देखे हैं ना किसी ने दिए। अभी 6 महीना पहले यहाँ का भूमि पूजन हुआ रोड का, भाऊ ने आश्वासन दिया कि ये रोड बन जाएगी, साइट वाला जो रोड है इधर पे भाऊ लोगों ने अपने सामने लोगों को मकान दिलाया, वहाँ कुछ तो भी काम किया, बिजली उधर लाए, लेकिन हमने यहाँ जो है 2,40,000 रुपये में हमने अपने स्वतः के खर्च पे बिजली लाए, और रोड 1,00,000 रुपये लगा के हम इस रोड में ये कबीलू डलवाए, तो थोड़ा आना जाने की हमको थोड़ी सी सुविधा अपने आप में हुई है, लेकिन नगर पालिका कभी ध्यान नहीं रखता। सर पर साल तो 3,000 रुपये महीना देते हैं सर। अगर पूरों की अगर बात की जाए तो वार्डवासियों की, तो करीब करीब 2-3 लाख सर जाता है जी। तो सुविधा कुछ देरी की दे रही है? नहीं, मूलभूत सुविधा कुछ नहीं सर, न पानी की सुविधा है, न बिजली है, न सड़क है, बहुत परेशानी। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार के पास कंगाल है नगर पालिका, क्या करोगे सर? पैसे के देना नहीं जा रही है अब, ये तो नहीं मालूम सर क्यों नहीं देना चाहती, पर आश्वासन देते हैं। मैडम आई थी एक दिन दीदी, वो मौसम दीदी जी, उनने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले बोले थे छिपेश्वर जी के यहाँ कि पूरी सुविधा कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिली। नहीं सर, सिर्फ आश्वासन दिया बस जी। क्या नाम है? हमें सुविधा मिलनी थी रोड, नाली और पुल। NOC का मुझसे नगर पालिका ने 14,300 रुपये लिए, उस पर लिखा हुआ है रोड, नाली और पुल। आज तक के रोड भी नहीं है, पुल भी नहीं है, नाली भी नहीं है। 8 साल हो गया मैं TC का बिल दे रहा हूँ, भाव के पास चक्कर काटो, नगर पालिका चक्कर काटो, भाव बोलता है नगर पालिका कंगाल हो गई, तो फिर टैक्स क्यों ले रहे हो भैया? बकायदा कंगाल के नाम पर टैक्स ले रही है। हाँ, ये पैसा कहाँ जा रहा है, कंगाल कौन कर रहा है? अब क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग पूरे वार्डवासी? रणनीति तो ये है, यहाँ पे जब तक पूरी सुविधा नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से मतदान नहीं मिलेगा, नहीं तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। बस, क्या नाम आपका?